नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू की वॉच। इस वक्त रांची से अपडेट। क्या सीएम हेमंत सोरेन लापता है? क्या सीएम सोरेन घोटाले में गिर चुके हैं? आइए जानते हैं। कथित जमीन घोटाले में गिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सोमवार को दिल्ली से रांची तक हेमंत सोरेन के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं मिले। ईडी ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर बीएमडब्ल्यू कार से कुछ कागजात जब्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हेमंत सोरेन भगोड़े हो चुके हैं। झारखंड का सीएम भगोड़े हो चुके हैं, ये बीजेपी का दावा है, उन्होंने कह रहे हैं। वहीं झारखंड के सत्ताधारी पार्टी जेएमएम का कहना है कि उनके नेता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वहीं जेएमएम का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को ईमेल के जरिए 31 जनवरी को सीएम आवास में दिन के 1 बजे पूछताछ के लिए समय दिया था। वहीं ईडी ने उन्हें दिल्ली के दफ्तर में पेश होने कहा था, लेकिन रांची के में मुख्यमंत्री आवास राजभवन जेएमएम का भाजपा कार्यालय समेत सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहाँ है सीएम हेमंत सोरेन? जानिए सवाल पर सीएम सोरेन का जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने ठिकाने पर कई बार जानकारी नहीं देने होने कारण पीछे मंगलवार को रांची लौटे। वो कहा कि लोगों के दिलों में रहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामामा कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने पार्टी झारखंड के विधायक की बैठक में अध्यक्षता की। संवाददाताओं ने सोरेन से पूछा कि वह कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके दिलों में रहता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा, हम सभी राष्ट्रपिता के कदमों में विचारों का अनुसरण करते हैं। प्रतिबंध है, हम गर्व है कि हमारे बीच लोग पैदा हुए, हमारे मार्गदर्शन है। किसके आदर्श पर हेमंत सोरेन भड़के हैं? जेएमएम महासचिव, आइए जानते हैं। कल्पना सोरेन लेकर चर्चा तेज बढ़ चुकी है। इस बात भी अटकलें लग रही है कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की अगले मुख्यमंत्री बन सकती है। विधायकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन की बैठक में पत्नी कल्पना सोरेन की नज़र आई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बयान देते हुए कहा कि मैं था, हूँ और रहूँगा। वही इससे पहले हेमंत सोरेन विधायकों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन उसकी पत्नी